एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद सैम। सो गाइस, अगर आपकी स्किन भी अनइवन है, कहीं से डार्क है, कहीं से साफ है, इस तरह की आपकी स्किन है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स में यूज करने वाली है, जो आपकी किचन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें कहीं भी कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई खर्चा करने की जरूरत है। इस सिंपल सी टेक्निक को अपनाकर आप अपनी स्किन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और खूबसूरत दिख सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे जो पहला इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ गाइज, वो है कच्चा दूध। सो अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल है तो कच्चा ही ले, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सेकेंडली मैं इसमें यूज करने वाली हूँ, तो सेकेंड इंग्रेडिएंट में लेने वाली हूँ इसमें बेसन। सो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मिल्क लिया है एंड 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो गाइज, इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। सो गाइज, फर्स्टली हमने इसमें यूज किया है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध हमारी स्किन को बहुत ज्यादा क्लीन करता है, हमारी स्किन के डर्ट को निकालता है और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। बेसन जो होता है हमारी स्किन को टाइट है। थर्ड मैं इसमें यूज करने वाली हूँ लेमन जूस। सो 1/2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस लेंगे। तो मैंने गाइज ये लेमन ले लिया है। सो गाइज, 1/2 टेबल स्पून के आसपास हम इसमें लेमन जूस मिला लेंगे। और जो लेमन जूस का काम होता है वो हमारी स्किन को जो है ब्लीच देता है, ये ब्लीच करता है, ये हमारी स्किन को जो है लाइटन करने का काम करता है। तो इससे जो हमारी अनइवन स्किन जो होती है, जो कहीं से डार्क और कहीं से खराब होती है, वो इक्वल हो जाती है। तो ये पैक जो है तैयार हो चुका है, उसको पूरी स्किन पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो जो हमने इसमें नींबू डाला है, नींबू जो होता है हमारी स्किन को जो ब्लीच करता है, हमारी स्किन को लाइटनिंग करने का काम करता है। तो जो नींबू की प्रॉपर्टीज है वो हमारी स्किन को लाइट करेगी। तो जो अनइवन स्किन होगी, कहीं से डार्क, कहीं से लाइट, कुछ लोग स्किन होती है जैसे यहाँ पे नीचे का एरिया यहाँ ब्लैक हो जाता है, इधर ब्लैक हो जाता है, तो वो चीज को ही खत्म करेगा फेस पैक। और जो दूध है वो मॉइस्चराइज करेगा। ब्रश का यूज भी कर सकते हैं, पर मैं हाथ से लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो प्रॉपरली पूरे फेस पे जो है स्प्रेड हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं हमेशा तो गाइस, ये पूरा मैंने अपने फेस पे इसको अच्छे से जो है आईज के क्लोज क्लोज थोड़ा बचा के अब पूरे फेस पर जो है इसको अप्लाई कर दिया है। अब ये आफ्टर 15 मिनट के बाद मैं जो इसको वॉश कर दूंगी। तो चलिए अभी मिलते हैं 15 मिनट के बाद। सो गाइज, अभी थोड़ा सा सूखने लगा है, टाइट होने लगा है, तो हार्डली 10 से 15 मिनट रखना है। पूरा सुखाने की जरूरत नहीं है। जब लगे आपको हल्का हल्का सूखने लगा है, टाइट होने लगा है, तो आपको इसको अपर डायरेक्शन में अच्छे से क्लीन कर लें फेस वॉश को अच्छे से। सो गाइज, आफ्टर वॉश आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया, क्योंकि नींबू ने अपने काम कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो टॉवल से हल्के हल्के आराम से मैं फेस वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं मेरी स्किन। सो गाइज, इस फेस पैक को जो है आप 2 बार विक में लगा सकते हैं। और आप कोशिश ये करनी है, जब आप इस फेस पैक को लगाते हैं तो उसके बाद बात ना करें, क्योंकि क्या होता है स्किन खिंचती है। तो इस वजह से आप शांत बैठें जब तक फेस पैक आपके फेस पर रहे, इसके बाद आप वॉश कर दें। सो गाइज, आप देख सकते हैं मेरी स्किन। मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।